हे गाइस, माय नेम इज अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। आज से हम रिज्यूम करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर की क्लासेस को, और जितनी भी आपकी मेन्स की वीडियोज़ हैं वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगी, जितनी भी पेंडिंग है। बिकॉज मैंने जो वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद में मेरे सिर में दर्द रहने लग गया था। हालांकि उसका वजह से मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे, वो वैक्सीन लगवाने के 2 दिन के अंदर ठीक हो गए। तो आपको जब भी चांस मिले वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। मैंने अपना फर्स्ट डोज लगवा लिया है, नेक्स्ट अभी 2 मंथ के बाद लगेगा। तो चलिए आज की खास डे के साथ में शुरुआत करते हैं। आज है कारगिल विजय दिवस। आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसकी हमेशा से हरकतें रही हैं कि वो घुसपैठ करने की कोशिशें करता रहता है। तो ऐसा ही हुआ था 1999 के अंदर, जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की गई थी और लगातार 2 महीने तक ये वॉर चली थी। क्या हुआ था कि जो कारगिल की चोटियां हैं उनके ऊपर घुसपैठ करके कब्ज़ा कर लिया गया था पाकिस्तान की फोर्सेस के द्वारा। तो उसी को हटाने के लिए और अपनी पोस्ट को वापस लेने के लिए हमने उनके साथ में वॉर की थी 1999 के अंदर। इसके अंदर कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ये वॉर चली थी। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसे ऑपरेशन विजय का नाम भी दिया गया है, तो हम ऑपरेशन विजय से ही शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसीडर करना है विजय के रिस्पेक्ट में। वो हमारा पहला स्टेटमेंट है, ऑपरेशन विजय है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर 2 बार लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 1971 के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज ये 1961 के अंदर हुई थी, ना कि 1971 के अंदर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बार इसे 1961 के अंदर लॉन्च किया गया था कैप्चर करने के लिए गोवा, अंजीदिवा आइसलैंड और दमन और दीव को कैप्चर करने के लिए। और सेकेंड टाइम ये 1999 के अंदर लॉन्च किया गया था। दोनों ही बार ऑपरेशन के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली है हमें। हालाँकि कारगिल विजय दिवस है उसे मार्क किया गया है कारगिल वॉर के रूप में, कारगिल वॉर को कल्मिनेट करने के लिए छब्बीस जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में हर साल। और ये इसके अंदर सक्सेसफुली कंप्लीट किया था हमने ऑपरेशन विजय को, जिसके अंदर लगातार 3 मंथ तक वॉर चली थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, LOC के ऊपर, जिसके अंदर हमारे 490 सोल्जर्स, ऑफिसर्स और जवान हैं जो कि शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये एक्सरसाइज अजय वॉरियर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया के साथ में, और कौन सी कंट्री जिसने मिलकर काम किया है इसमें एक्सरसाइज की है। हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे देख लेते हैं हम, रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन नेवी है उसने बायलेटरल पासेज एक्सरसाइज, जिसे हम पासेक्स भी बुलाते हैं, यूके की रॉयल नेवी करियर स्ट्राइक ग्रुप जिसे CSG-21 बुलाया जाता है, इनके द्वारा बे ऑफ बंगाल के अंदर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और कौन सी एक्सरसाइज हैं यूके के साथ में हमारी, वो देख लेते हैं। 2006 के अंदर एक्सरसाइज इंद्रधनुष की गई थी, ये जॉइंट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज थी इंडिया और यूके के बीच में। फिर एक्सरसाइज कोंकण है, ये भी लॉन्च की गई थी। फिर एक्सरसाइज कोंकण है ये भी कंडक्ट की गई थी। ये मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज थी इंडियन नेवी और रॉयल नेवी जो ब्रिटेन की है उसके बीच में। फिर जो एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, ये भी हुई थी 2013 के अंदर। ये पहली ऐसी जॉइंट एक्सरसाइज अजय वॉरियर है, ये 2013 के अंदर पहली बार हुई थी। इसके अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी इंडिया और यूके के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में, जिसे हम इन शॉर्ट नैशक बुला सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। हमारे स्टेटमेंट क्या है, वैसे बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन इनमें भी कन्फ्यूजन है। ये इस्टेब्लिश किया गया है इसरो के द्वारा, और ये इसरो के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये लोकेटेड है शिलोंग के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसे
नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसे हम नैशक बुलाते हैं, ये इस्टेब्लिश किए गए हैं। क्योंकि इसे इस्टेब्लिश किया गया है क्योंकि ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, जिनके चेयरमैन भी हैं, इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन सेंटर का, और साथ ही साथ एग्जीबिशन फैसिलिटी ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नैसक्स, जो कि सिलोंग के अंदर लोकेटेड है। ये सेंटर हेल्प करेगा ऑगमेंट करने के लिए जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है इस रीजन के अंदर एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के साथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, हमें इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कि इसके रिगार्डिंग निम्हांस गाइडलाइंस, ये इनके बारे में बताना है। ये गाइडलाइंस हैं ये प्रिजनर्स के लिए, प्रिजनर्स की मेंटल हेल्थ के लिए, ये गाइडलाइंस हैं ये इशू की गई हैं प्रिजनर्स की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बडीज और लिसनर बुलाया गया है, वो कौन होंगे, ये ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट होंगे जिन्हें अपॉइंट किया गया है प्रोवाइड करवाने के लिए सोशल सपोर्ट सुसाइडल प्रिजनर्स को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारी, फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की रिक्वेस्ट के ऊपर निम्हांस गाइडलाइंस को इशू किया गया है, ये जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर निम्हांस के द्वारा, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा गाइडलाइंस को इशू किया गया है जो प्रिजनर्स हैं और प्रिजनर स्टाफ हैं उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए। इसके अंदर जो गेट कीपर मॉडल है उसको फॉलो किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मेंटल इलनेस को, और सिलेक्ट किया जाएगा इनमेट्स को, और फिर ट्रेन किया जाएगा आइडेंटिफाई प्रिजनर को, और इन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाएँ प्रिजनर्स को जो कि रिस्क पे हैं सुसाइड के, मतलब कि जो सुसाइड कर सकते हैं, और उन्हें रेफ़र किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, और सपोर्टिव सर्विसेज भी दी जाएंगी। प्रिजनर्स हैं जिनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर है उनको रेगुलरली एक्सेस किया जाएगा, जो कि मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं उनको रेगुलरली एक्सेस करवाई जाएंगी, उनकी जो सीवियरिटी है सुसाइडल रिस्क को उन्हें रेगुलरली प्रिजनर्स जिनको मेंटल डिसऑर्डर हैं उनको रेगुलरली एक्सेस किया जाएगा उनकी सीवियरिटी को देखते हुए सुसाइडल रिस्क की, और उनको रेगुलरली उन्हें रेगुलर और सुपरवाइज्ड मेडिकेशन करवाया जाएगा उनके द्वारा और उन्हें रेगुलरली सुपरवाइज्ड मेडिकेशन करवाया जाएगा। और बड़ी सिस्टम है सोशल इंटरवेंशन का, ये क्या है? ये एक सोशल टाइप है, ये एक सोशल सपोर्ट है जो प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेंड प्रिजनर्स के द्वारा जिन्हें बडीज़ या फिर लिसनर बुलाया जाएगा। ये फाउंड किया गया है इसकी वजह से गुड इम्पैक्ट लाया जा सकता है, वेलबींग किया जा सकता है सुसाइडल प्रिजनर्स का, और पीरियोडिक टेलीफोन कन्वर्सेशन भी करवाई जाएगी उनके दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, और फोस्टर सपोर्ट भी दिया जाएगा ताकि फोस्टर सपोर्ट दिया जा सके। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें बताना है हमें जो बिप्रोजल ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स हैं इनके रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं ये एक तरह के मटेरियल होते हैं जो कि जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब उनके ऊपर मेडिकल इम्पैक्ट पड़ता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बायोप्रोजल ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स हैं ये रिकम्बाइन करते हैं, अगर उनके अंदर कोई भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो उनके अंदर बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के ये
या अपने आप सेल्फ हीलिंग के द्वारा अपने जो टूटे हुए हिस्से हैं उनको वापस से जोड़ लेते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। क्रिस्टलोग्राफिक प्रोसेशन के थ्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों ही, फिर दोनों में से कोई नहीं, तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया है एक मटीरियल को जो कि सेल्फ रिपेयर कर लेता है मैकेनिकल डैमेजेस को। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं ये, रिसर्चर्स हैं उन्होंने, रिसर्चर्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम आईसर बुलाते हैं, कोलकाता के द्वारा टीम अप करके आईआईटी खड़गपुर के साथ में डेवलप किया है इन क्रिस्टल्स को, जो कि रिपेयर कर सकते हैं खुद के जो मैकेनिकल डैमेजेस हैं उनको बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिनके द्वारा जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस और मैकेनिकल इम्पैक्ट के ऊपर। ये पीसीज हैं, ब्रोक हो जाते हैं, एक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को। ये टूटे हुए पीसीज हैं वो एक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को और क्रैक जंक्शन में और अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन कंडक्ट बाय, ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? UNESCAP, UNDP या फिर WTO या फिर WHO? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये सर्वे है कंडक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। इंडिया का स्कोर रहा है 90.32% लेटेस्ट सर्वे 2021 का है उसके अंदर, और ये रिमार्केबल जंप है इसके अंदर, जो कि 2019 के अंदर रहा था 78.49%। ये आप समझ सकते हैं ये 2021 के अंदर अब आया है और 2019 का ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर दो साल के अंदर रिलीज़ किया जाता है। 143 इकोनॉमीज़ का इवेल्युएशन करने के बाद में इसकी हाइलाइट्स देखने को मिली हैं, जिसके अंदर इंडिया है उसने 5 की इंडिकेटर्स के अंदर अपने आप को इंक्रीज़ किया है। ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमने 2021 के अंदर 100% पाया है, जो कि 2019 के अंदर 93.33% था। फॉर्मेलिटीज़ के अंदर 95.83% रहा है 2021 के अंदर, जो कि 87.5% था 2019 के अंदर। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और कंपनी कॉरपोरेशन के बारे में बात करें तो 88.89% रहा है 2021 के अंदर, जो कि 2019 के अंदर 66.67% था। पेपरलेस ट्रेड की बात करें तो 96.3% रहा है 2021 के अंदर, जो कि 81.48% था 2019 के अंदर। फिर क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड की बात करें तो 66.67% रहा है, जो कि 2019 के अंदर 55.6% था। के अंदर बताया गया है कि इंडिया है वो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री रही है अगर उसे कंपेयर करते हैं साउथ वेस्ट एशिया, स्कोर है 63.12% एंड एशिया पैसिफिक रीजन जिसका स्कोर है 65.85%। ओवरऑल स्कोर देखें इंडिया का तो हमने जो OECD कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इंक्लूड है फ्रांस, UK, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, उनसे भी अच्छा हमारा स्कोर रहा है। इंडिया को ट्रांसपेरेंसी के अंदर 100% स्कोर मिला है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था। 66% मिला है वुमन इन ट्रेड के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, सीक्रेसी ऑफ वॉट। हमारे पहले स्टेटमेंट है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये इंटीग्रल पार्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। फिर हमारी फाइनल स्टेटमेंट है, इसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी मेंशन किया गया है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली या फिर ये सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट वो करेक्ट है।
इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसने कहा है कि जो कोई भी इलेक्शन है, चाहे वो पार्लियामेंट के हों या फिर स्टेट लेजिस्लेटर के हों, उसके अंदर वोटिंग की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करनी ज़रूरी होती है। ये सीक्रेसी हमारी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट जो पीपल यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज़ केस 2013 के अंदर हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ केस 2013 के अंदर देखने को मिला था, इसके अंदर भी कहा गया था कि दो मेन कंपोनेंट्स हैं राइट टू सीक्रेसी ऑफ वोट के, वो क्या क्या हैं। राइट टू वोट आल्सो इंक्लूड, राइट टू वोट के अंदर इंक्लूड किया गया है राइट टू नॉट वोट, राइट नॉट टू वोट, इसका मतलब कि वो इनके पास राइट है कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं वोट को, या फिर आप सिंपली समझ सकते हैं कि नोटा को क्लिक कर सकते हैं। राइट टू सीक्रेसी एक इंटीग्रल पार्ट है फ्री और एंड फेयर इलेक्शन का। फर्दर इन्हें कॉन्फिडेंशियल किया गया है चॉइस, और इसके साथ में ये फर्दर क्या करते हैं, ये कॉन्फिडेंशियली चॉइस प्रोवाइड करवाते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए डेमोक्रेसी को। आर्टिकल 21 का थर्ड पार्ट है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और आर्टिकल 25B है वो बताता है, उसके अंदर इंटरनेशनल कन्वेंशन इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये डील करते हैं राइट टू सीक्रेसी को। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द कनाल प्रोजेक्ट। ये रिसेंटली न्यूज़ में कनाल प्रोजेक्ट जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये लॉन्च किया गया है केरला के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड करना डोमेस्टिक एंड डाउरी अब्यूज़ को, वुमन के डोमेस्टिक और डाउरी अब्यूज़ को कम करना, ख़त्म करना डोमेस्टिक और डाउरी अब्यूज़ का वुमन के डोमेस्टिक एंड डाउरी अब्यूज़ को ख़त्म करना, या फिर बच्चों का जो अब्यूज़ किया जाता है उस एक्ट को कम करना, या फिर रिप्लेस करना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को सोलर पावर जनरेशन के थ्रू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, पिनारी विजयन। उन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट किया है कनाल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है ये फॉर्मुलेट किया गया है, इसका एम रखा गया है ताकि एंड किया जा सके डोमेस्टिक एंड डाउरी अब्यूज़ को, और वुमन को एम्पावर किया जा सके, अवेयरनेस क्रिएट की जा सके पूरी पॉपुलेशन के अंदर। इसका एक पार्ट और भी है, इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सुपरवाइजर्स को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो कॉलेजेस के अंदर किए जाएंगे, और लगभग 100,000 अवेयरनेस पोस्टर्स हैं उनको भी डिस्प्ले किया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में स्टेट के। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, जो शाही फसल कैंपेन है उसके बारे में बताना है हमें। इसके अंदर फेवर किया जाएगा उन्हीं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जिनके अंदर जो कि कम पानी को यूज़ करती हैं, इसके द्वारा फार्मर्स को। पहले स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं जो कि पानी को कम कंज्यूम करती हैं उनकी तरफ फार्मर्स का ध्यान लाया जाएगा, उनको उगाने के लिए उसे प्रमोट किया जाएगा। और ये कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर मिशन के थ्रू। ये नज करता है ये फार्मर्स को कम पानी लेने वाली क्रॉप्स की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है, और ये और जो पानी है उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर के अदर पार्ट्स के अंदर जहाँ पे डिमांड साइड मैनेजमेंट की जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसीडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, नॉर्ड स्ट्रीम टू पाइपलाइन के अंदर। इन सभी स्टेटमेंट को कंसीडर करना है किसके रिगार्डिंग, नॉर्ड स्ट्रीम टू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन है ये इंटेंडेड की गई है, ये पाइपलाइन है ये प्रोवाइड करवाएगी यूरोप को सस्टेनेबल गैस सप्लाई, और रशिया को प्रोवाइड करवाएगी डायरेक्ट एक्सेस यूरोपियन गैस मार्केट के अंदर। इसके अंदर 1200 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी रशिया से लेकर पुर्तगाल तक। ये पाइपलाइन है वो ऑलरेडी ये पाइपलाइन है ये किसके साथ चलाई जाएगी, ये जो पहले कंप्लीट की जा चुकी है नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम के साथ में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं,
यहाँ भी, यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये यहाँ पे रशिया है, रशिया से होकर ये जर्मनी तक जाएगी और ये प्रोवाइड करवाएगी फैसिलिटीज़ किसको, यूरोपियन यूनियन को। यहाँ बीच में कौन सा सी ही आपको बताना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, जो US है उसने अप्रूव कर दिया है जर्मनी रशिया की जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको, और इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंट है, यूरोपियन एनर्जी डिपेंडेंस बढ़ेगी रशिया के ऊपर, इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1200 किलोमीटर लॉन्ग ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि कंस्ट्रक्ट की जाएगी रशिया और जर्मनी के बीच में बाल्टिक सी से होकर। वैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर यहीं पर आ गया, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ ही गए होंगे ये रशिया और जर्मनी के बीच में है, ना कि रशिया और पोर्चुगल के बीच में। फिर द्वारा एग्रीगेट लगाया गया है कि 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस है वो जर्मनी को हर साल प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, जोगा जोग, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है हमारा, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दूसरा ऑप्शन है न्यूली फाउंड एक्सोप्लेनेट है, या फिर क्रिप्टो करेंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं है। हम बता देते हैं ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।